एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, द रेल फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज हम बात करेंगे दो वंदे भारत ट्रेन का, और एक है जयनगर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन जो दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी, और दूसरा वंदे भारत ट्रेन है सहरसा से हावड़ा वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो समस्तीपुर के DRM है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, उन्होंने ये साफ बोला है कि दो वंदे भारत ट्रेन का परिचालन जो होने वाला है रेलवे बोर्ड के तरफ से हरी झंडी उसको मिल गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है DRM समस्तीपुर का, और एक वंदे भारत जो है जयनगर से दिल्ली जाएगी और दूसरा सहरसा से हावड़ा जाएगी। इस तरह से दो वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रहा बिहार को, और इलेक्शन के बाद। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी आचार संहिता जिसके कारण रुका हुआ है, नहीं तो नरेंद्र मोदी कब का हरी झंडी दिखा दिए होते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन हरी झंडी दिखाते हमेशा वंदे भारत ट्रेन का। अनुमति के बाद दोनों बासिंग पीट जो अपग्रेड किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक तो सहरसा में बासिंग पीट है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से दोनों वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द बिहार को मिलने वाला है, यानी इलेक्शन के बाद। और ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन जो इक्विपमेंट हैं वो उसका मरम्मती का कार्य जारी है, चल रहा है। और ट्रैक, रेलवे ट्रैक का भी मरम्मती का कार्य चल रहा है, क्योंकि पैकिंग देना रहता है टेम्पिंग मशीन से, तो हर एक जगह पर, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन अमूमन 130 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर से चलने में सक्षम है, लेकिन हमारे रेलवे ट्रैक उतना सक्षम नहीं है, जिसके कारण जो वंदे भारत ट्रेन है उसको 130 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाया जाता है, और इसी कारण रेलवे ट्रैक का भी मरम्मती का काम चल रहा है। आपको बता दें ट्रैक मेंटेनेंस का काम जून के अंत तक हो जाएगा, और उसके ऊपर ट्रायल रन किया जाएगा, उसके बाद बिहार को मिल जाएगा चमचमाती न्यू वंदे भारत ट्रेन, जैसा कि आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहे थे। और वंदे भारत ट्रेन मिलने से सहरसा वासियों को काफ़ी फायदा होगा, सीधे हावड़ा से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सहरसा से हावड़ा जाएगी वंदे भारत ट्रेन, और स्पीड के मामले में 160 किलोमीटर पर आवर से भी कुछ सेक्शन में चलने की संभावना है, क्या चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्यूल के बाद जो लाइन है मेन लाइन, वहाँ पे तो 160 किलोमीटर पर आवर से वंदे भारत ट्रेन जो है ऑलरेडी चलती ही है। तो इस तरह से जयनगर से दिल्ली, जयनगर वासियों यानी नेपाल वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगा उनको, और इंडिया के लिए तो खुशखबरी है ही, खास करके नॉर्थ बिहार के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दो वंदे भारत ट्रेन नॉर्थ बिहार को मिलने जा रहा है, एक जयनगर को, एक सहरसा को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारत में अभी फिलहाल 51 को वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, जो आपको पहले वीडियो में हम बता रखे हैं द रेल फैक्ट्स के माध्यम से। और बता दें कि 51 वंदे भारत ट्रेन में से हमारे बिहार में 4 वंदे भारत ट्रेन तो पटना से चलती है। जी हाँ दोस्तों, एक है पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, दूसरा है पटना से लखनऊ, तीसरा है पटना से रांची, चौथा पटना से हावड़ा, और 5वां वंदे भारत ट्रेन वाराणसी हावड़ा जो गया होकर जाती है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय नरेंद्र मोदी।